हेलो गाइस, वेलकम टू टीवाईजे वर्ल्ड। रियलमी के डिवाइसों में हमें ओवरहीट से रिलेटेड सेफ्टी प्रिकॉशन स्टार्टिंग से ही देखने को नहीं मिला, यानी कि हमने इसके ऊपर काफी टेस्ट परफॉर्म किए, अलग अलग ब्रांड्स के मोबाइल के बीच में टेस्ट परफॉर्म किए, लेकिन सभी में कुछ अलग अलग तरह का एल्गोरिदम वर्क करता है। कुछ मोबाइल स्विच ऑफ हो जाते हैं, कुछ मोबाइल यहाँ पे ऐप और बैकग्राउंड के टास्क को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, प्रोसेसर पे बिल्कुल लोड नहीं देते हैं, बस इमरजेंसी कॉल करने का आपको ऑप्शन देते हैं, यानी कि अलग अलग तरह के एल्गोरिदम वर्क करते हुए नजर आ रहे थे अलग अलग डिवाइसों में। लेकिन रियलमी में हमें किसी भी तरह का सेफ्टी प्रिकॉशन वर्क करता हुआ नजर नहीं आ रहा था। बस यहाँ पे अगर मोबाइल ओवरहीट होता है, यानी कि मोबाइल के हीट का लेवल ज्यादा हो जाता और अगर आप उसे चार्ज में लगाते हैं तभी ये वार्निंग साइन शो करता था कि मोबाइल ओवरहीट हो गया, इसलिए हम चार्जर को अनप्लग कर रहे हैं, यानी कि डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा कोई वार्निंग साइन नहीं आती थी रियलमी के डिवाइसों में। यानी हमने इनका टेम्परेचर 95 डिग्री तक ले गए, यानी 95-96 डिग्री तक जाने के बाद भी किसी भी तरह का सेफ्टी प्रिकॉशन हमें देखने को नहीं मिला था। लेकिन रियलमी की रिसेंट अपडेट में, खासतौर रियलमी 3 प्रो के रीसेंट अपडेट में, जब हमने ये टेस्ट परफॉर्म करके देखा तो हमें सेफ्टी प्रिकॉशन मिलता हुआ नजर आया। यानी कि अभी जो रीसेंट अपडेट आई है रियलमी 3 प्रो की, उसमें सेफ्टी प्रिकॉशन ऐड कर दिया गया है और ये किस तरह से वर्क कर रहा है वो भी हम जानते हैं। और उसके साथ साथ क्या सभी रियलमी के डिवाइसों में आपको सेफ्टी प्रिकॉशन दे दिया गया है या अभी बस रियलमी 3 प्रो में दिया गया है? तो यहाँ पे हम रियलमी 3 और रियलमी 3 प्रो दोनों में ही ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। हमने रियलमी 3 को अभी अपडेट नहीं किया, यानी कि ये पुराना ही वर्जन है, जबकि रियलमी 3 प्रो को हमने अपडेट कर लिया और ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम यहाँ टेस्ट के बेसिक्स की बात करें तो दोनों ही डिवाइस को हमने सबसे पहले रूम टेम्परेचर पे रखा था, उसके साथ साथ दोनों में ही हमने एक साथ पबजी ऑन किया है, गेमिंग स्टार्ट कर दिया। अगर हम यहाँ पे आपको टेम्परेचर मेजर करके दिखा दें, यानी ये इनिशियल स्टेज टेम्परेचर है, तो आप देख सकते हैं 35 से 34 डिग्री के आसपास वेरी कर रहा है दोनों का ही टेम्परेचर। और दोनों के बैटरी का टेम्परेचर भी आप देख सकते हैं 37 डिग्री के आसपास है रियलमी 3 का और 35 डिग्री के आसपास है रियलमी 3 प्रो का। अब हमने यहाँ पे अपना ओवरहीट टेस्ट परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि दोनों में ही पबजी ऑन कर दिया और दोनों को ही कड़कती धूप में रख दिया, यानी कि अब हम यहाँ पे एक्सट्रीम लेवल ओवरहीट टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। दोनों ही डिवाइस में पबजी ऑन है, कड़कती धूप में हमने इसे रख दिया है, इसके साथ साथ काउंटर भी ऑन कर दिया है। तो वो अप्रोक्स 5 से 6 मिनट के बाद, यानी 5 से 6 मिनट के बाद रियलमी के किसी डिवाइस में हमें पहली बार ओवरहीट की वार्निंग आती हुई नजर आई, वो था रियलमी 3 प्रो। यानी कि रियलमी 3 प्रो की लेटेस्ट अपडेट के बाद हमें उसमें ओवरहीट की वार्निंग आती हुई नजर आई। और यहाँ पे जो ओवरहीट की वार्निंग आ रही थी उसमें इसने स्क्रीन को फ्रीज कर दिया था और यहाँ पे बस आपको इमरजेंसी कॉल करने का ऑप्शन दे रहा था। यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल को लो कर दिया था, बैकग्राउंड के एप्स को क्लोज कर दिया था और इसके साथ साथ मोबाइल को एरोप्लेन मोड में डाल दिया था, यानी कि मोबाइल के पूरे टास्क को क्लोज कर दिया था, प्रोसेसर पे किसी भी तरह का जोर ना पड़े, बैटरी पे जोर ना पड़े, जिससे मोबाइल और ज्यादा हीट नहीं हो। जबकि रियलमी 3 में हमें किसी भी तरह की सेफ्टी वर्क करती हुई नजर नहीं आई, यानी कि जैसा पहले रियलमी के डिवाइस बिहेव कर रहे थे कुछ उसी तरह से रियलमी 3 भी बिहेव करता हुआ नजर आ रहा था। तो हमने ये टेस्ट को और कंटिन्यू रखा, एक दो बार और हमने ये टेस्ट परफॉर्म किया, फिर से हमने यहाँ पे मोबाइलों को धूप में रख दिया पबजी ऑन करके और फिर से हम ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे थे। हम एक्चुअली रियलमी 3 प्रो का एल्गोरिदम जानना चाह रहे थे किस तरह का वर्क कर रहा है ये। तो आप देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे आपको टेम्परेचर मेजर करके दिखा दे दोनों ही डिवाइस का, तो रियलमी 3 में 67 डिग्री के आसपास मैक्सिमम टेम्परेचर जा रहा था लेकिन गेम अभी ऑन था इसमें, और 64 डिग्री के आसपास रियलमी 3 प्रो में जा रहा था लेकिन इसमें वार्निंग साइन आ गई थी, स्क्रीन को फ्रीज कर दिया था, बैकग्राउंड के एप्स को क्लोज करके फ्लाइट मोड ऑन कर दिया था रियलमी 3 प्रो ने। और हमने जब मोबाइलों को थोड़ी देर ठंडा होने छोड़ दिया, यानी कि कूल होने के लिए छोड़ दिया, थोड़ी देर बाद मोबाइल नॉर्मल वर्क करने लगा, फिर से हमने दोनों ही डिवाइस को धूप में रख दिया पबजी ऑन करके। हम ये देखना चाह रहे थे कि रियलमी 3 प्रो का जो एल्गोरिदम यहाँ पे सेफ्टी प्रिकॉशन का है वो किस तरह से वर्क कर रहा है, क्या ज्यादा हीट करने पर मोबाइल बंद होता है कि बस यहाँ पे ओवरहीट का नोटिफिकेशन आ रहा है। तो अप्रोक्स 10 मिनट और धूप में रखने के बाद जब हमने मोबाइल का टेम्परेचर मेजर किया तो 73 से 74 डिग्री के आसपास टेम्परेचर जा रहा था रियलमी 3 का, जबकि रियलमी 3 प्रो का टेम्परेचर 64 से 65 डिग्री के आसपास जा रहा था। यानी कि 60 डिग्री के ऊपर जैसे ही जाता है तो रियलमी 3 प्रो में हमें ओवरहीट का नोटिफिकेशन आ जाता है, बैकग्राउंड के एप्स को क्लोज कर देता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑफ करके फ्लाइट मोड डाल देता है और साथ में ब्राइटनेस लेवल को कम कर देता है। जबकि रियलमी 3 में इस तरह का कोई एल्गोरिदम वर्क नहीं कर रहा था, इसीलिए वो कंटिन्यू हीट होता जा रहा था। और अगर हम यहाँ पे मोबाइल के ऑन होने की बात करें तो जैसे ही 60 डिग्री के नीचे टेम्परेचर पहुंच जाता है रियलमी 3 प्रो की जो स्क्रीन फ्रीज होती है वो ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाती है। यानी कि जैसे ही 60 डिग्री के नीचे टेम्परेचर आता है रियलमी 3 प्रो ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, यानी कि वर्किंग ऑन हो जाती है उसकी, फ्लाइट मोड हट जाता है, पूरी नेटवर्क कनेक्टिविटी वापस आ जाती है, फिर आप गेम प्ले कर सकते हैं। यानी कि 60 डिग्री के ऊपर जैसे ही जाता है तो रियलमी 3 प्रो में आपको वार्निंग साइन आता हुआ नजर आएगा, स्क्रीन फ्रीज हो जाएगी, फ्लाइट मोड ऑन कर देगा, जबकि जैसे ही 60 डिग्री के नीचे चला जाता है तो ये
नॉर्मल वर्क करने लगता है। तो यहाँ पे जो इसका कट ऑफ टेम्परेचर रखा गया है यानी कि सेफ्टी प्रिकॉशन रखा गया वो 60 डिग्री के आसपास का रखा गया है, जबकि Realme 3 में हमें 73-74 डिग्री तक मोबाइल वर्क करता हुआ नजर आया। हालांकि गेम में लैगिंग फ्रेमिंग अलग ही नजर आ रही थी क्योंकि ये मोबाइल का ऑपरेटिंग टेम्परेचर नहीं है, इतने ज्यादा टेम्परेचर में मोबाइल के साथ कुछ भी हो सकता है, इसीलिए गेम काफी ज्यादा लैग करता हुआ भी नजर आ रहा था। इसके बाद हमने Realme 3 को अपडेट कर लिया, उसकी जो लेटेस्ट अपडेट आई है कलर OS A16, ये जो इसकी लेटेस्ट अपडेट आई है हमने सबसे पहले Realme 3 को अपडेट किया। अपडेट करने के बाद फिर से Realme 3 और Realme 3 Pro दोनों में ही PUBG ऑन किया और उन्हें वापस धूप में रख दिया। हम ये टेस्ट करना चाह रहे थे कि इस अपडेट के बाद क्या Realme 3 में भी सेफ्टी प्रिकॉशन आ चुके हैं। तो अप्रोक्स 10-15 मिनट कड़कती धूप में PUBG ऑन करके दोनों ही डिवाइस को छोड़ दिया था हमने, और जैसे ही हमने इन्हें लैब में वापस लाके देखा तो आप देख सकते हैं Realme 3 का जो टेम्परेचर जा रहा है वो 78-79 डिग्री के आसपास जा रहा है। Realme 3 Pro का यहाँ पे 68 डिग्री का मैक्सिमम टेम्परेचर जा रहा है। Realme 3 Pro में हमें ओवरहीट का वार्निंग आती हुई नजर आई थी यानी कि स्क्रीन फ्रीज हो गई थी, उसके साथ साथ बस इमरजेंसी कॉल कर सकते थे, जबकि Realme 3 में हमें किसी भी तरह का सेफ्टी प्रिकॉशन इस अपडेट के बाद भी वर्क करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं Realme ने यहाँ सेफ्टी प्रिकॉशन तो दिया है लेकिन अपने Realme 3 Pro में ही बस दिया है, उसके अलावा हमें Realme के किसी और डिवाइस में सेफ्टी प्रिकॉशन वर्क करता हुआ नजर नहीं आ रहा, यानी कि बस Realme 3 Pro में सेफ्टी प्रिकॉशन दे दिया गया है जो एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, जबकि Realme 3 में अभी सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं दिया गया उसकी लेटेस्ट अपडेट के बाद भी। तो जैसी ओवरहीट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, जैसी कोई अपडेट आती है तो हम ओवरहीट टेस्ट परफॉर्म करते ही हैं, खासतौर से Realme के डिवाइस में, क्योंकि उनमें सेफ्टी प्रिकॉशन लाना बहुत जरूरी है। तो जैसे ही हमें सेफ्टी प्रिकॉशन का पता चलता है अदर Realme के मोबाइलों में तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग DYJ वर्ल्ड।